गतिविषयक न्यूटन का गतिविषयक का प्रथम नियम, और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन के गतिविषयक का द्वितीय नियम। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम उन्होंने प्राकृतिक नियमों के आधार पर दिया वो ये कुछ इस तरह से दिया कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु पर बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस नियम के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला फॉर्म जो हमने बताया वो क्या बताया, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। यानी हम लिख सकते हैं लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती। मान लेते हैं ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर वन। और उसी के सेकंड पार्ट में ये बताया गया है कि जिस दिशा में किसी वस्तु पर बल लगाया वस्तु में उसी दिशा में त्वरण उत्पन्न होगा, तो त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इन दोनों समीकरणों को संयुक्त रूप से लिखते हैं, अर्थात समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व दो से क्या हो जाता है, इन दोनों समीकरणों को संयुक्त रूप से लिखने पर हो जाता है एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू के इंटू एम इंटू ए, जहाँ पर ये जो k है वो हमारा क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक, k हमारा क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। k इज इक्वल्स टू अनुक्रमानुपाती नियतांक, हम यहाँ पर k की वैल्यू को 1 मानते हैं, यदि k यानी अनुक्रमानुपाती इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाए, और जहाँ k बराबर क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। अब k की वैल्यू को हमने क्या लिया, 1 लिया, k यानी अनुक्रमानुपाती नियतांक का मान यदि 1 हो, और ये अनुक्रमानुपाती नियतांक का मान 1 कब हो सकता है, जब हम F यानी बल का मान 1 न्यूटन लें, M यानी द्रव्यमान का मान 1 किलोग्राम लें, और त्वरण का मान हम क्या लें, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें, तो K का मान 1 हो सकता है। अब इस K का मान अगर हम इस समीकरण में रखते हैं तो हमें मिल जाता है F इज इक्वल्स टू एम ए, जो कि न्यूटन के गति विषय के द्वितीय नियम का क्या माना जाता है, समीकरण माना जाता है। अब ये आपका प्रूफ हो गया, न्यूटन के गति विषय का समीकरण यानी समीकरण दूसरा पूरा हो गया। अब हम आपको बता देते हैं कि बल के क्या क्या मात्रक होते हैं। तो मैंने इस टॉपिक को अभी यहाँ रख कर दिया है, अब हम देखने जा रहे हैं कि बल के मात्रक क्या हो सकते हैं। बल के मात्रक ज्ञात करने के लिए देखिए सीजीएस पद्धति में, यानी सीजीएस सिस्टम में जो बल का मात्रक होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा समीकरण था एफ इज इक्वल्स टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू एम ए में ये जो है बल का मात्रक क्या होता है, 1 dyne होता है, क्या होता है, 1 dyne होता है, और 1 dyne जो बराबर होता है वो होता है, ये हो गया आपका 1 gram, ठीक है, या तो मैं इसे हिंदी में ही लिख देती हूँ 1 gram, और एक त्वरण, त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम निकाल रहे हैं सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में जो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिखेंगे वो लिखेंगे 1 centimeter, 1 centimeter और पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, और पर सेकेंड स्क्वायर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 gram 1 centimeter सेकेंड टू द पावर 2 - 2, ठीक है, ये होता है 1 dyne। अब दूसरा जो एसआई सिस्टम में इसका मात्रक है, एसआई सिस्टम में जो इसका मात्रक होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एसआई सिस्टम में इसका मात्रक होता है न्यूटन, यानी 1 newton, जिसे हम न्यूटन भी कह सकते हैं, तो न्यूटन को भी हम एफ इज इक्वल्स टू एम ए के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, और न्यूटन का जो मान होता है वो होता है आपका किलोग्राम
प्राइम मात्रक जिसका मान होता है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू दी पावर माइनस टू, और न्यूटन में हमें वैल्यू मिल गई किलोग्राम मीटर सेकेंड टू दी पावर माइनस टू। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है पॉइंट जो आपका, वो है रिलेशन कि न्यूटन और डाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन इन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन, डाइन एंड न्यूटन। तो पहले न्यूटन का जो मान है वो हमारा कितना है, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो हमें पता है कि किलोग्राम में, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, देखिए यहाँ से 1 मीटर सेकेंड माइनस टू, इस तरह से हमें लिख लिया। किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और उसी तरह से मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ये आपकी पावर सेकेंड की यूनिट जो है वो ऐसे ही रहेगी, यानी सेकेंड की पावर माइनस टू। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम, ये देखिए 1000 है, और इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू आपकी ऐसे रहेगी क्योंकि सेकेंड में है, सेकेंड पावर माइनस टू। अब ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, दीज आर इन मल्टीप्लीकेशन, तो ये वैल्यू हो गई 10 की पावर 3 प्लस 2 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर माइनस 2, या हम बोल सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कहने का मत, और इसी को ये, तो ये 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 पावर प्लस हो जाएंगी, ये वैल्यू अभी आपकी 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2, और ये मान किसका है, डाइन का है, यानी 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन इन बिटवीन डाइन और न्यूटन के बीच में हो गया। हमने मात्रक पढ़ लिए, न्यूटन के गति विषय के प्रथम और द्वितीय नियम पढ़ लिए।